10 सितंबर दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई अजा एकादशी। तुलसी की मिट्टी से करें ये अचूक उपाय। पुराना रोग कष्ट जन्मों की गरीबी सब एक रात में ही हो जाएंगे दूर। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त कष्ट और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन कर व्रत करने से भूत प्रेत का भय नहीं रहता और मृत्यु के पश्चात इन योनियों में भटकना भी नहीं पड़ता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इससे घर में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास रहता है। तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कई विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। तुलसी जी के पूजन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन दोस्तों, तुलसी जी की तरह ही तुलसी जी की मिट्टी भी बहुत ही चमत्कारी होती है। तुलसी जी की मिट्टी में समस्त देवी देवताओं, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। तुलसी की मिट्टी के इस आसान से उपाय से आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। संध्या काल के समय तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। जिस घर में संध्या काल के समय तुलसी जी के पास दीपदान किया जाता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि सदैव उस घर में बनी रहती है। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी बहुत ही चमत्कारी बताई गई है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी की जड़ की मिट्टी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जी की मिट्टी से मस्तक पर तिलक अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति रोजाना तुलसी की मिट्टी से मस्तक पर तिलक करते हैं उन्हें कभी भी गरीबी छू भी नहीं पाती, उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी की मिट्टी को दरिद्रता नाश करने वाला कहा गया है। दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, किस्मत साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य है कि पीछा ही नहीं छोड़ता, कोई भी काम करने चलते हैं उसमें अड़चन आती ही है, आपने दुकान खोली है, फैक्ट्री खोली है लेकिन वह चल ही नहीं रहा, किस्मत आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, मेहनत कर करके थक चुके हैं, तो आप एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप तुलसी जी के पास जाएं और तुलसी जी की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि तुलसी माँ, मैं आपकी जड़ की मिट्टी उठा रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखें, मेरे दुर्भाग्य को दूर करें, कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करें और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस तरह प्रार्थना कर आप इस मिट्टी को अपने घर में अंदर भगवान जी के पास मंदिर में रख दें और फिर दीपक जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात दोस्तों, आप इस तुलसी जी की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करें। दोस्तों, तुलसी जी की मिट्टी बहुत चमत्कारी होती है। शास्त्रों के अनुसार
तुलसी जी में समस्त तीर्थों का वास होता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जहाँ तुलसी जी होती हैं वहाँ त्रिदेव का वास होता है, इसलिए तुलसी जी की मिट्टी लाकर इससे तिलक करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में स्नान दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी जी की मिट्टी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग तुलसी जी की मिट्टी से रोजाना मस्तक पर तिलक करते हैं उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और पापों का नाश हो जाता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है जिससे किस्मत साथ देने लग जाती है। किस्मत के साथ देने से कार्यों में सफलता मिलने लगती है और बिगड़े कार्य भी जल्द ही बनने लग जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो लोग तुलसी जी की मिट्टी से रोजाना तिलक करते हैं उन्हें भगवान लक्ष्मी नारायण का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन से शुरू कर आप रोजाना तुलसी जी की इस मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक अवश्य ही करें। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो आपको आज के दिन से शुरू कर रोजाना तुलसी जी पर आप जल चढ़ाने के बाद अपने मस्तक पर तिलक करें। अगर आप रोजाना पूजन नहीं कर सकते तो आपको यह जो उठाई हुई जो मिट्टी है इसको आप अपने मंदिर में ही संभाल कर रख दें और इसी मिट्टी से रोजाना तिलक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह की उम्र तो हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह होने के बाद भी आपके विवाह में दिक्कतें आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं चल रहा, या आपको कर्ज संबंधी कोई समस्या है, आपने लोन लिया है लेकिन उसे चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत अधिक कर्ज चढ़ गया है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप एकादशी पर सबसे पहले स्नान कर पीले रंग के वस्त्र पहने। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन करने के दौरान आप भगवान जी को पीले रंग के फूल जैसे कि गेंदे का फूल आप भगवान जी को अर्पित करें। पीले रंग के फूल के साथ ही आप पीले रंग की चीजें भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। पीले रंग की चीजें जैसे कि पका हुआ केला, चने की दाल, पीली अरहर की दाल, पीली हल्दी, बेसन, मक्के का आटा या बेसन बूंदी के लड्डू, सोन पापड़ी, ऐसी कोई भी पीली चीज आप अपनी श्रद्धानुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात यह पीले रंग की जो वस्तु है आप इन्हें किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इस तरह पीले रंग की वस्तु का दान करने से विवाह में आ रहा विलंब दूर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कर्ज से भी जल्द ही छुटकारा मिल जाता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार दिन की अपेक्षा एकादशी पर रात में किया गया पूजन कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होता है। एकादशी की रात को भगवान विष्णु जी के सामने 9 बातियों वाला दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही एक एक बाती का दीपक भी जलाना चाहिए। यह दीपक या तो शुद्ध घी के या फिर मीठे तेल के जलाए जा सकते हैं। दीपक जलाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करने के पश्चात माँ लक्ष्मी के नाम का जाप जय माँ लक्ष्मी का भी 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को फल मिष्ठान का भोग लगा इस प्रकार पूजन करें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जी के सामने कहें
और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों जी, नौ बाती वाला जो दीपक है यह तो सिर्फ इतने समय जलना जरूरी है जितनी देर आप पूजन कर रहे हैं, लेकिन जो एक बाती का दीपक है यह बड़ा बनाना चाहिए। यह दीपक पूरी रात भर जलते रहना चाहिए क्योंकि एकादशी की पूरी रात जागरण किया जाता है। आप जाग के जागरण ना कर सके तो कम से कम एक अखंड दीपक एकादशी की रात को अवश्य जलाएं। एकादशी की रात को इस तरह भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस दिन चावल और जौ का सेवन करना भी वर्जित होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।